the god of gala sets, amazing sarcasm, and a very soulful story. And the king of family dramas of Indian cinema, Karan Johar, is coming back to box office. Box office पर फिर से एक बार हलचल मचाने के लिए करण जौहर ला रहे हैं अपनी अगली फिल्म ऐ दिल है मुश्किल। वेल, टाइटल सुन के तो उस गाने की याद आ जाती है, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये बम्बई मेरी जान। वेल, इस फिल्म का टाइटल है ऐ दिल है मुश्किल और इसकी स्टार कास्ट अमेजिंगली यूनिक है। इसमें रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा जहां लीड एक्टर्स हैं, वहीं साथ में दो बहुत ही अलग नाम इस फिल्म में मौजूद हैं। एक हैं पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान, जिन्होंने हाल ही में फिल्म खूबसूरत से अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया है, और दूसरा नाम है बच्चन खानदान की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन का। हालांकि आजकल सारे डायरेक्टर्स चाह रहे हैं कि ऐश्वर्या उनके साथ काम करे, बट ये मौका मिला है करण जौहर को, जो लेकर आ रहे हैं फिर एक बार ऐश्वर्या राय बच्चन को स्क्रीन पर अपने अगले प्रोजेक्ट में ऐ दिल है मुश्किल, जिसके लिए करण का कहना है कि वो हमेशा से चाहते थे कि ऐश्वर्या उनके साथ काम करें, चाहे वो कुछ कुछ होता है वो या फिर कभी अलविदा ना कहना। पर जब सारी स्टार कास्ट को पता चला कि ऐश्वर्या फिल्म में आ रही हैं, तो दे ऑल वर हैप्पी। रणबीर, अनुष्का एंड फवाद खान आर वेटिंग फॉर ऐश्वर्या टू बी देयर इन द फिल्म, एंड आल्सो ऐश्वर्या के सारे फैंस उनका इंतजार कर रहे हैं बड़े पर्दे पर। ऐ दिल है मुश्किल अब खुद को रोकना टू वेट फॉर द अपकमिंग फिल्म ऑफ ऐश्वर्या राय बच्चन।